नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 25 अप्रैल को फिर यूपी के दौरे पर रहे। चुनावों को देखते हुए पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ प्रचार करने शुरू कर दिए हैं। आज पीएम ने आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाने के लिए यूपी में एक बार फिर तूफानी प्रचार किया है। पीएम मोदी के मंच पर पहुंचते ही लोगों ने भारत माता की जय और मोदी योगी के जमकर नारे लगाए। इस दौरान जयकारों और मोदी योगी के नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। इस दौरान मंच से बोलते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यों की कीमत देश को आज तक चुकानी पड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यह चुनाव दो खेमों की लड़ाई है। एक खेमा भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है, दूसरा वह है जो भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए मैदान में है। और योगी जी की सरकार तो दो कदम आगे बढ़ी है और योगी जी ने यहाँ के युवाओं के लिए स्टेडियम भी बनवा रही है। मैं अमरोहा के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट भारत के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला है। भाजपा गांव गरीब के लिए बड़े विजन और बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन के लोगों की सारी शक्ति गांव देहात को पिछड़ा बनाए रखने में लगती है। इस मानसिकता का सबसे बड़ा नुकसान अमरोहा और पश्चिमी यूपी जैसे क्षेत्रों को उठाना पड़ा है। ये इलाका दिल्ली और एनसीआर के इतने करीब है, लेकिन दिल्ली एनसीआर का जो फायदा अमरोहा को मिलना चाहिए था वो पहले मिला क्या? योगी जी के आने से पहले मिला क्या? दिल्ली में भाजपा सरकार बनने से पहले मिला क्या? इंडी गठबंधन वालों के दौर में यूपी की पहचान पिछड़ेपन के कारण होती थी, लेकिन आज वही यूपी देश में एक्सप्रेस वे वाले प्रदेश के तौर पर हिंदुस्तान जानने लगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान बंद हो चुका है। अब कल यानी 26 अप्रैल को 13 राज्यों के 88 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस चुनाव में राहुल गांधी और हेमा मालिनी सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज कन्नौज से अपना नामांकन भरा। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि फिर इतिहास दोहराया जाएगा, अब नया भविष्य बनाया जाएगा। अखिलेश यादव ने सपा से प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। बता दें कि कन्नौज लोकसभा सीट से सपा ने पहले तेज प्रताप सिंह को मैदान में उतारा था, लेकिन अब उनका टिकट काट दिया गया है और अखिलेश यादव अब इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान कल यानी 26 अप्रैल को होने जा रहे हैं। इस चरण को लेकर सभी पार्टियों ने चुनावी मैदान में जमकर मेहनत की है। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार भी बुधवार की शाम को थम गया था। इस चुनाव में कौन से अहम चेहरे एक दूसरे के सामने लड़ने वाले हैं और ये किसका सामना किससे होने वाला है, ये काफी दिलचस्प है। दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान बुधवार शाम तक थम गया था। पहले दूसरे चरण में 99 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर भाजपा प्रत्याशी के निधन के बाद इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होंगे। इस चरण में केरल में 20,
कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 6, असम और बिहार में 5-5, बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर में 1-1 सीटों पर मतदान होगा। बता दें कि इस चरण में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम से, भाजपा के तेजस्वी सूर्य कर्नाटक से, हेमा मालिनी और अरुण गोविल उत्तर प्रदेश से, कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड से, शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी के भाग्य का फैसला होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। योगी ने कहा कि आम जनता के प्रति कांग्रेस की मानसिकता क्या है, यह यूपीए सरकार के दौरान और कल फिर उजागर हुआ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी यही सब इशारा था। सीएम योगी ने कहा कि सैम पित्रोदा ने जो कल कहा उसकी वकालत यूपीए सरकार में मंत्री रहे पी चिदम्बरम भी कर चुके थे। उनकी नीयत आम जनता की संपत्ति पर है, इसलिए वे विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं और इसे वे उन लोगों को बांटेंगे जो घुसपैठिए हैं। कौन नहीं जानता कि देश के अंदर अलग अलग भागों में जो करोड़ों संख्या में घुसपैठिए रोहिंग्या आए हैं, उसके पीछे कांग्रेस के वोट बैंक की नीति है। सीएम ने कहा कि एक तरफ ये आम जनता पर टैक्स लादकर उन्हें तबाह करेंगे और उन लोगों को देंगे जिनका भारत से कोई संबंध नहीं है। सैम पित्रोदा ने इसी बात को उजागर किया है। देखिए, देश के प्रति और देश की आम जनता के प्रति कांग्रेस की मानसिकता क्या है, यह पहले भी यूपीए गवर्नमेंट के दौरान भी और कल फिर एक बार उजागर हुआ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी कहीं ना कहीं ये सब इशारे थे। ऐसा नहीं कि जो सैम पित्रोदा ने कल कही है बात 2011-12-13 में तत्कालीन जो मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनके द्वारा भी इन सब चीजों की वकालत बार बार की जाती थी। और कांग्रेस जिसने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 वर्षों तक लूटा, अब उसकी नियत लोगों की आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है और आम जनता की संपत्ति पर लगे होने के कारण ही अब वह इस विरासत टैक्स की बात कर रहा है और फिर इसको बांटेगा उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं। आखिर कौन नहीं जानता कि असम के अंदर, इस देश के नॉर्थ ईस्ट में या देश के अंदर अलग अलग भागों में जो करोड़ों की संख्या में घुसपैठी आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इनके पीछे तो कांग्रेस का ही वोट बैंक की पॉलिसी है। तो वह देश की कीमत पर राजनीति इन्होंने पहले से ही करते रहे हैं और विरासत टैक्स उसी का हिस्सा है। एक तरफ ये आम जनता को टैक्स लाद करके तबाह करेंगे, उनकी संपत्तियों को जबरन अपने कब्जे में लेंगे और फिर उन घुसपैठियों को उन लोगों को देंगे जो लोग, जिनका भारत से कोई संबंध नहीं है। सैम पित्रोदा ने कांग्रेस की उसी मनसा को उजागर करने का एक प्रयास किया और उसने उसी बात को कहा है जो कांग्रेस का वास्तव में प्रयास है। लखनऊ जिला प्रशासन ने गर्मी के बढ़ते तापमान को देखते हुए सभी स्कूलों का समय बदल दिया है। कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार लखनऊ की कक्षा पहली से आठवीं तक के सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। आदेश में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंडर आते कक्षा पहली से आठवीं तक परिषदीय मान्यता प्राप्त स्कूलों का समय बदलकर सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक सीमित कर दिया गया है। ये आदेश सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए मान्य होंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोग गर्मी से बेहाल हैं। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि दोपहर के समय धूप में ना निकलें और अगर जरूरी काम है तो अपने शरीर को पूरी तरह से ढककर बाहर निकलें। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।